सोचिए, 10th का बच्चा भी एक लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड रहता है। जगह है, खाली है अभी, इसलिए कि अभी नया ओपन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। जैसे इस एरिया में अभी लाइब्रेरी पहली बार खुला है, इसीलिए अभी यहाँ के बच्चे को उतना अच्छा से पता नहीं है कि लाइब्रेरी क्या होता है। नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में, और आज हम फिर से आ चुके हैं एक लाइब्रेरी का रिव्यू करने के लिए। और दोस्तों, पटना में कई लाइब्रेरी का रिव्यू हमने किया था, और आज हम अपने शहर में आए हुए हैं, जिस शहर का नाम है इमामगंज। हालांकि यहाँ पे पहले कोई लाइब्रेरी नहीं था और नया नया ओपन हुआ है। इस लाइब्रेरी में अभी स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, और चलिए देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ के संचालक से बात करेंगे कि क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं, और ताकि यहाँ पे लाइब्रेरी पहले नहीं था, लोग आ करके इस लाइब्रेरी में ज्वाइन करके और अनुभव ले कि कैसा अनुभव होता है। आइए चलते हैं, डायरेक्टर से सबसे पहले बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या सुविधा रखे हैं। तो ये हैं डायरेक्टर सर। तो सबसे पहले सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे, और ये बताइए सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। और बताइए सर कि आप ये लाइब्रेरी कब ओपन की है? ये 8 जनवरी 2023 को ओपन किया गया है, यानी कि ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, 5 से 6 दिन हुआ है। फी कितना है, कितने शिफ्ट अभी चला रहे हैं ये लाइब्रेरी? यहाँ का फी बहुत ही कम है, मात्र 300 है एक शिफ्ट का, और एक शिफ्ट 4 घंटे का है। और 24x7 आवर ये ओपन है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कहीं कहीं देखते हैं लाइब्रेरी में कि रात वाला जो शिफ्ट है ना, उसको क्लोज कर दिया नहीं, जाता है। यहाँ 24 आवर ओपन है बिल्कुल, और रात वाले भी जो नाइट शिफ्ट चलते हैं उसमें भी स्टूडेंट्स आते हैं। ऑफर भी रखे हुए हैं? ऑफर है, हाँ। जैसे इस एरिया में अभी लाइब्रेरी पहली बार खुला है, इसीलिए अभी यहाँ के बच्चे को उतना अच्छा से पता नहीं है कि लाइब्रेरी क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर जनवरी महीना फ्री रखा गया है। एक शिफ्ट फ्री है एक स्टूडेंट का, यानी कि एक शिफ्ट के लिए पैसा अगर देता है तो एक शिफ्ट उनको फ्री में, मतलब एक शिफ्ट फ्री ऑफर किया जाए। अच्छा अच्छा, और अगर 2 शिफ्ट लेते हैं तो एक शिफ्ट का पैसा लगेगा। अच्छा, एक शिफ्ट का पैसा लगेगा, हाँ बिल्कुल, एक शिफ्ट फ्री है। और चलिए थोड़ा हमें बताइए कि क्या क्या व्यवस्था रखे हैं, देखते हैं लाइब्रेरी का यहाँ पे जो भी है, देखते हैं व्यवस्था क्या है। आइए देखिए, ये काफी बड़ा हॉल है जिसमें लाइब्रेरी है। टोटल सीट कितना है सर, बताइए अभी? टोटल सीट अभी 51 है। देखते हैं एक सीट पे क्या क्या व्यवस्था। देखिए, आइए एक सीट दिखाइए सिर्फ। देखिए, एक सीट है जिसपे एक पानी का बोतल रखा हुआ है, सारे सीट पे है ना पानी का बोतल, हाँ पानी का बोतल है। प्लस में ये देखिए, ये मोबाइल का स्टैंड है जिसपे लोग लाइव क्लास करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद पेपर भी यहाँ पे रखा हुआ रहता है, सारे करेंट पेपर है जो कि, और देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी है, और चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे लगा हुआ है। और लाइटिंग का तो भी ऐसा व्यवस्था किया गया है कि पर्सनल लाइटिंग का जरूरी ही नहीं है लाइट ये यहाँ पे। उसके बाद देखिए, जगह जगह पे कुछ कोटेशन भी यहाँ पे चिपकाया हुआ है, जिससे होता क्या है कि स्टूडेंट आजकल मोटिवेशन को टैबलेट के जैसा यूज करते हैं, तो वो भी जरूरी है, मोटिवेशन का भी जरूरी है। तो जगह जगह पे कोटेशन भी चिपकाया हुआ है। प्लस में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ मोबाइल से बातचीत करना वर्जित है, यानी कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं तो आइए सिर्फ अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ज़्यादा फोन भी सोशल मीडिया पे यूज ना करें। और चलिए कुछ स्टूडेंट से भी बात करना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस शहर में पहली बार लाइब्रेरी खुला है। तो भाई साहब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा समय आपका लेना चाहेंगे, इधर आइए। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार इनका नाम है, कहाँ से हैं? हम धनिया से हैं। अभी कच्ची का तैयारी कर रहे हैं? अभी 10th का। सोचिए, 10th का बच्चा भी एक लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड रहता है गांव में, और लाइब्रेरी खुल गया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना घंटा यहाँ पे आके पढ़ाई करते हो? 4 घंटा। 4 घंटा, यस। क्या क्या सुविधा मिला है? बहुत कुछ सुविधा, जैसे मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, वाईफाई है, स्पीड तो चलता होगा इंटरनेट, कोई दिक्कत ना होता है? नहीं, कोई दिक्कत ना है। और जगह जगह पे देखिएगा, इधर मैप भी चिपकाया हुआ है, कुछ भी देखना है मैप में तो दिक्कत नहीं होता है। और कुछ स्टूडेंट से, थैंक यू भाई। आइए इधर भी देखिए, जगह है, खाली है अभी, इसलिए कि अभी नया ओपन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए सीट खाली है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, देखिए लाइव क्लास कर रहे हैं अभी। चलिए ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हैं? अभी तो 10th क्लास में है, और अभी एनसीसी का एग्जाम देना है, तो एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और 10th के लिए भी तैयारी। अच्छा, एनसीसी का एग्जाम देना है आपको? यस। और 10th का भी एग्जाम देना है ना इस बार? यस।
तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री? नहीं अभी तो एनसीसी के एग्जाम वाला देख रहे हैं। अच्छा ट्यूशन। ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है लाइब्रेरी? बहुत अच्छा लग रहा है, शांति से रहने का, पानी का सुविधा है। अच्छा घर से कैसे अलग है लाइब्रेरी? घर में भी तो पढ़ाई कर सकते हैं। घर में ये है कि अगर थोड़ा सा कुछ हुआ, हल्ला वल्ला हुआ तो उठ जाइएगा, तो दोबारा बैठने का पढ़ने में फिर अथी नहीं। और मम्मी पापा काम भी करने बोलते होंगे ना? काम तो अगर काम पे थोड़ा सा उठ जाइएगा, पढ़ने से कैसे भी दिल उठ गया तो फिर बैठने का, बैठना मुश्किल है। मुश्किल मतलब एक बार बैठ गए तो लॉन्ग टर्म पर पढ़ाई कर सकते हैं। मोटिवेट ये होता है कि अगला जैसे हम सब कोई पढ़े बैठे हुए हैं तो बस अपने आप से लगेगा कि हम भी पढ़े। यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है कि लोग आस पास में बैठ करके पढ़ रहे हैं, सब चीज की सुविधा है। चलिए आइए भैया से और बात करते हैं। भैया थोड़ा सा समय दीजिएगा, बताइए इस लाइब्रेरी के बारे में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सतेंद्र। सतेंद्र कुमार हुआ। हाँ, ये लाइब्रेरी कब से आ रहे हैं? 10 जनवरी से। 10 जनवरी 8 जनवरी को ओपन हुआ, 10 जनवरी से आ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है लाइब्रेरी ज्वाइन करके? अच्छा महसूस हो रहा है। कभी और कोई लाइब्रेरी कहीं पे जा करके ज्वाइन किए थे? क्योंकि शहर में नहीं था तो कहीं पर गया में किए थे। गया में किए थे तो गया से यहाँ पे कुछ अलग माहौल मिल रहा है या फिर कुछ अलग यहाँ पे व्यवस्था है क्या? सेम व्यवस्था है। चलिए और बताइए कि घर का जो पढ़ाई है, घर पे बैठ के लोग पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे आकर के पढ़ाई करते हैं तो कैसा मतलब क्या अंतर होता है? अंतर होता है घर में डिस्टरबेंस रहता है, डिस्टरबेंस ज्यादा है। ठीक ठाक है, हो जाता है पढ़ाई 7-8 घंटे जितना चाहते हैं। और यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स कम है और जो स्टूडेंट यहाँ पे इस शहर में हैं और जो लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे वो लोग को? एकदम करना चाहिए, यानी कि आ करके ज्वाइन कीजिए आप लोग भी। चलिए थैंक यू भैया, आइए और भी कुछ लोग से बात करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा समय आपका लेना चाहिए, आइए। आपका नाम क्या हुआ? उत्तम कुमार। अभी कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहा है। कौन सा क्लास में है? टेंथ में है। टेंथ में भी रहते हुए आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना आप आवश्यक समझे, क्या ऐसा मतलब दिक्कत हुआ? टेंथ में तो बहुत कम पढ़ना पड़ता है जैसे 11th 12th या फिर कंपटीशन के अपेक्षा, तो घर में बहुत डिस्टर्ब होता है, थोड़ा काम करना भी पड़ता। जैसे में क्या क्या डिस्टर्बेंस होता है? जैसे एक बताएं काम करना, प्लस में कुछ फ्रेंड्स भी डिस्टर्ब करते होंगे ना, जैसे घर पे रहते हैं चलो यार खेलते हैं आज क्रिकेट, ऐसे होता होगा ना, यही सब दिक्कत होता है ना। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके कैसा लगा? लाइब्रेरी ज्वाइन करके बहुत अच्छा। जो लोग अभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किए हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो जरूर इस लाइब्रेरी में, संस्कार लाइब्रेरी में आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा सर से और बात करना चाहेंगे, तो आप बताइए सर कि स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे को घर में डिस्टर्बेंस होता है, किसी तरह की दिक्कत हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बुक नहीं खरीद पाते, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी यहाँ आए और ज्वाइन करें, बुक यहाँ अवेलेबल हम सभी करवाएंगे। लोकेशन इस लाइब्रेरी का बता दीजिए। लोकेशन है इमामगंज डुमरिया मोड़ हनुमान मंदिर गली के अंदर अनिल ब्रदर्स के बगल की गली में। और गूगल लोकेशन का, गूगल मैप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे, कोई दिक्कत होता है तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।